नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है संगीता ब्लॉग में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ दाल कद्दू। तो उसके लिए देखिए, मैंने आधा केजी कद्दू लिया है, तो इसको धो कर के अच्छे से काट लिया है। ये देखिए, ज़्यादा बीज वाला नहीं है, ये बहुत ही अच्छा था। तो आप कद्दू को लेते समय या लौकी घिया जो भी बोलते हैं दूधी, तो इसको लेते समय आप ध्यान रखें कि बहुत बीज वाला ना लें। तो ये मैंने ले लिया है, एक कटोरी मैंने चना दाल लिया है। इसको एक घंटा पहले भिगो दिया था, एक डेढ़ घंटा पहले। तो आप यदि नहीं भिगा के रखते हैं तो आप गर्म पानी डाल करके 10-15 मिनट छोड़ेंगे तो भी हो जाएगा। देखिए हमारा फूला हुआ है, ये भीग गया है, ये देखिए। तो इनको मैं, इसके लिए मैं लूँगी कुकर, कुकर में डाल दूँगी ये घिया जो मैंने काट के रखा है। बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। जो बच्चे या बड़े घिया खाना पसंद नहीं करते हैं वो भी मांग मांग कर खाएंगे और हर हफ्ते बनवाएंगे आपसे, क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनता है। आप इसको रोटी पराठे या चावल किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, पूरी के साथ खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनता है। और इसे भी डाल दूँगी मैं, ये जो पानी के साथ ही डाल दूँगी। यहाँ पर डाल देंगे एक छोटी चम्मच हल्दी डाल देंगे और स्वादानुसार नमक डाल देंगे। ये सेंधा नमक है मेरा, और आप वाइट वाला नमक भी डाल सकते हैं। वैसे सेंधा नमक सेहत के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। और इसमें मैंने डाला है एक कप से था वो चना दाल, तो मैं इसमें 3 कप पानी डालूँगी। ये देखिए, तीसरा कप हो गया। अब कुकर को बंद कर करके और 3-4 सीटी आने तक पका देंगे इसको, सीटी लगवा देंगे 3-4। ये देखिए गैस ऑन करके मैंने 3-4 सीटी के लिए रख दिया है। 4 सीटी के बाद मैं बंद कर दूंगी गैस को। ये देखिए हमारा, मैंने एक कढ़ाई लिया है, मेरा कुकर में 4-5 सीटी लग गया था तो मैं उसको ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। और गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई रखा है, इसमें 3-4 चम्मच मैं तेल डाल दूँगी। ये मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ। ये देखिए हमारा तेल गर्म हो गया है कढ़ाई का। मैं इसमें डाल दूँगी हींग, 2 पिंच हींग डाल दिया मैंने। और यहाँ पर देखिए मैंने लिया है सौंफ, लिया है थोड़ी सी 1/4 चम्मच, जीरा 1/4 चम्मच, और बिल्कुल थोड़ी सी लिया है मेथी, और 1/4 चम्मच सरसों है, और अजवाइन है थोड़ी सी, और 2 तेज़पत्ता है, और 2 लाल मिर्च है। तो इन सबको मैं डाल दूंगी इसमें। इसको 5 फोरन भी बोलते हैं, मिला करके रख भी सकते हैं इसको, और इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है यदि आप इसको डालेंगे तो। और इसे भी डाल दूंगी। मेरे मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लग गई है, देखिए अच्छा सा पक गया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी ये चॉप किया हुआ एक बड़ा प्याज है, तो इसे डाल दूंगी। इसे अच्छी तरह से भून लूँगी। ये देखिए हमारा प्याज भून रहा है। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 इंच अदरक का टुकड़ा को चॉप किया हुआ है, और 10-12 कलियाँ है लहसुन की, इसे भी डाल दूँगी। इसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसको आप ज़रूर डालें। ये देखिए यहाँ पर मैं कुछ सूखे मसाले ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है, ये देखिए कश्मीरी मिर्च का पाउडर है 1 छोटी चम्मच, और 1 चम्मच बड़ा चम्मच है धनिया पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच है हल्दी का, और 1/2 छोटी चम्मच है लाल मिर्च पाउडर, ये जीरा भुना हुआ पाउडर है, और यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर है। इन सबको भी डाल देंगे इसमें, अच्छे से भून जाएगा। मैंने 1 बड़ा प्याज लिया था, और यहाँ पर देखिए मैंने 2 बड़ा टमाटर लिया है चॉप किया हुआ, इसे भी पका लेंगे अच्छी तरह से, इसके साथ भून लेंगे। मैंने यहाँ पे टमाटर डाला है, तो थोड़ी सी नमक भी डाल देंगे, और हमने जो घिया उबाला है उसमें तो डाल रखा है, इसमें भी डाल देंगे। ये देखिए हमारा ये गल गया है, अब मैं उसमें डालूँगी कढ़ाई में। ये देखिए हमारे मसाले से तेल बाहर रिलीज हो रहे हैं। जब मैंने प्याज डाला और टमाटर डाला तो हाई फ्लेम पे पका लिया, बाद में लो मीडियम पे मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे हमारा मसाला बिल्कुल तैयार हो गया है, और यहीं पे मैं डाल दूँगी ये जो मैंने कुकर में
गलाया था दाल और कद्दू। ये देखिए हमारा ये कुक हो गया है अच्छे से, पर गला बिल्कुल वैसा नहीं है कि मैसी मैसी सा हो गया है। इसमें जो कुकर में बचा हुआ है वो सारा ही डाल दूंगी इसमें। ये देखिए यहाँ पर मैं डाल दूंगी धनिया जो मैं बारीक बारीक चॉप किया हुआ है। ये देखिए अच्छे से धो करके मैंने काट लिया है और इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है, तो आप ये डाल दें और बहुत ही टेस्टी बना है। कुछ आपको यदि थोड़ा खट्टा पसंद है तो टमाटर बढ़ा दें, एक और टमाटर डाल सकते हैं आपको ज़्यादा खट्टा पसंद है तो। मैंने दो टमाटर डाला है, दो बड़े बड़े टमाटर डाला है, तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आया है। और आपको आप एक बार बनाएंगे ना तो बहुत ही अच्छा लगेगा, आप पराठे के साथ चावल के साथ किसी भी के साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी बनता है ये। जो लोग घिया पसंद नहीं करते हैं वो भी खाना शुरू कर देते हैं, तो आप बनाएं और अपने लोगों के साथ इंजॉय करें। ये देखिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ एक गरम मसाला, एक छोटी चम्मच गरम मसाला मैं डाल रही हूँ यहाँ पर लास्ट में। इसको शुरू में मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि इसका खुशबू बहुत ही अच्छा आता है यदि लास्ट में डालते हैं तो। अब यहाँ पर मैं गैस बंद कर दूँगी और इसको 2 मिनट के लिए ढक्कन लगा दूँगी ताकि पूरे में इसका खुशबू चला जाए और टेस्ट भी अच्छा आए। ये देखिए इस तरह से मैं लीड लगा दूँगी। ये देखिए मैं ढक्कन हटा रही हूँ इसका और कढ़ाई का, और यहाँ पर मैं 1 चम्मच घी डाल दूँगी, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और इसको मिक्स कर देंगे, बहुत ही आप इसमें घी डालेंगे ना तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ये देखिए हमारा दाल और कद्दू पक गया है बहुत अच्छे से और बिल्कुल मैसी मैसी सा नहीं हुआ है। देखिए दाल बिल्कुल अलग अलग सा है लेकिन अच्छी तरह कुक हो चुका है। अब इसको मिक्स करके अच्छे से ढक देंगे और देखिए हमारा दाल कद्दू बन करके तैयार हो गया है। अब मैं इसका करती हूँ प्लेटिंग और बहुत ही टेस्टी बना है, आप भी बनाइए। और आप जब एक बार बना कर खाएंगे तो आप देखेंगे कि आप से सभी लोग बोलेंगे कि हफ्ते में कम से कम 2-3 दिन बनाओ और बहुत ही टेस्टी बनता है। ये देखिए हमारा मैसी मैसी बिल्कुल भी नहीं हुआ है और इसमें जो 5 फोरन डाला है मैंने वो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, वो भी आप डालें बहुत ही अच्छा लगेगा। अब मैं इस कर दे रही हूँ प्लेटिंग। ये देखिए मैंने प्लेटिंग कर दिया है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। नमस्कार।